Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब मज़े में होंगे। और अभी हो चुका है सुबह, सुबह का टाइम 6 बज चुके हैं और हम लोग निकल रहे हैं कुरुक्षेत्र के लिए। हमारी भाई जी ने एग्जाम दीवार में और हम लोग आए हैं घूमने के लिए। जब तक इसका एग्जाम चलेगा तब तक हम लोग घुमाई करेंगे आसपास के एरिया में। और अभियांश भी सोया है अभी तक, ड्रेस इसकी चेंज नहीं की हमने। चलिए आज आपको भी कुरुक्षेत्र की सैर करवाते हैं। मैं एक बार पहले आ चुकी हूँ, आज दोबारा जा रही हूँ। और सुबह सुबह का मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, बहुत ही मस्त हो रखा है, ठंडी ठंडी सी बाहर। और इस साइड में केतल साइड में ना थोड़ी सी धूप लग रही है। और ये पहुँच गए हम गवर्नमेंट स्कूल में, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम था ये गवर्नमेंट स्कूल में है, कुरुक्षेत्र थानेसर में। और यह देखिए बच्चे बैठे हुए एग्जाम देने के लिए, अभी टाइम नहीं हुआ है, हम लोग थोड़े जल्दी पहुंच गए थे 9:30। हेलो फ्रेंड्स, और अभी हम पहुंच चुके हैं ब्रह्म सरोवर मंदिर। हे अभियांश, से हाय। भगवान जी? हाँ, कितनी अच्छी है। अच्छा लगा क्या? सुंदर है। सुंदर लगा? कितना सुंदर लगा बताओ ना प्लीज। वो ज्यादा वाओ। और यहाँ पे लोग कर रहे हैं स्नान, छोटे छोटे बच्चे लगा रहे हैं डुबकी पे डुबकी। डुबकी लगानी है? नहीं, मरा दू गोता इधर। नहीं, नहीं, नहीं। ये क्या कर रहे हैं? पैसे निकाल रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं। पूरा पड़े और आ रहे और ये है यहाँ का मेन मंदिर। वैसे तो यहाँ पे और भी मंदिर है, पीछे माता रानी का मंदिर है और है, लेकिन ये यहाँ का मेन मंदिर है। और इसके चारों ओर ऐसे पानी ऐसा वैसे कुंड जैसा बना रखा है, तो ये पानी के बीच में बना रखा है। और यहाँ पे पीछे एक रथ भी है जहाँ पे श्री कृष्ण ने गीता को उपदेश दिया था अर्जुन को, वो चीज़ भी है। हेलो फ्रेंड्स, फिलहाल हम पहुँच चुके हैं ब्रह्म सरोवर मंदिर और खुशबू को छोड़ के आ गए हैं उसके मुकाम पे, मतलब उसको एग्जामिनेशन हॉल में छोड़ के आ गए हम लोग। और वाह, कितनी बड़ी फीस है यार, नीचे गई। और अभी हम लोग आए हैं ब्रह्म सरोवर मंदिर, ये बिल्कुल स्कूल के पास में ही है। यहाँ से पास में है एक म्यूजियम है, एक ब्रह्म सरोवर मंदिर और एक और चीज़ और है बनकर। तो बस चलिए आपको भी दिखाते हैं और दर्शन करवाते हैं साथ के साथ। हाँ, ईल है। ईल है क्या? ईल नहीं है, मिट्टी में भी रहती है। एक और फिश नहीं है? वो री दो है, एक और उधर देखिए दो है। हम कुछ लेके नहीं आए गलती से, हमें मालूम ही नहीं था। आके अपना फोन तो लेके वीडियो बनाने के लिए। यार कितने, ये तो मुझे पता है कि हम फ्रॉग है। हैं क्या? मुझे नहीं पता कि क्या फिश है। छोटे छोटे, हाँ ये भी छोटी फिशेज है, ये बड़ी हो जाएंगे। चले गोपाल,
और ये मंदिर काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे मतलब पानी जो मंदिर मेन मंदिर था उसके पीछे की साइड में और भी काफ़ी बड़ा मंदिर है। ये पीछे ये स्टेचू बना रखा है श्री कृष्ण का और अर्जुन का, जो उन्होंने गीता का उपदेश दिया था श्री कृष्ण ने, वो वाला स्टेचू। और धूप बहुत ज़्यादा थी इसलिए हम ज़्यादा देर टिके नहीं यहाँ पे, बस थोड़ा सा देखा और यहाँ से निकल लिए तुरंत ही। और ये देखिए कितना अच्छा बना रखा है, बहुत ही सुंदर लग रहा था ये देखने में। जो लोग आ चुके हैं उनको तो पता ही है, जो नहीं आए हैं वो देख लेना भाई आप लोग भी। नहीं आने का और तो सब कुछ बढ़िया है, A1 है, लेकिन फिलहाल धूप बहुत ज़्यादा है। और एक बार मैं पहले आई थी मेरे कॉलेज के टूर के साथ में, उस टाइम ठंडी में आए थे हम लोग, दिसंबर या फरवरी में, ध्यान भी नहीं है क्योंकि 15 साल पहले की बात है। तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, थोड़ी गर्मी भी लग रही है। अभी आज बोल रहा है यारों को ये मेरे को कोई ऐसी जगह लेके चलो जहाँ पे AC हो। और ये बना रखा है पार्क इधर पास में, पहले तो नहीं था ये, लभी बनाया लगता है। और यहाँ पे ये डक थी तो बहुत सारी छोटी छोटी, छोटी नहीं थी भाई, बड़ी भी थी और छोटी भी थी, दोनों टाइप की थी। और साथ में इधर इस जो ये ना गार्डन था, इसके चारों ओर स्टैचू बना रखे थे सीमेंट से, जो भी कुछ हुआ था यहाँ पे उसके बारे में लिख रखा है। और इनके जो स्टैचू बना रखा है इनके बारे में साइड में लिखा हुआ भी है। तो ए मैंने सिर्फ एक ही पढ़ा था, धूप बहुत लग रही थी इसलिए मैं हमने पूरे नहीं पढ़े, सिर्फ देखे थे। और उसमें लिखा ये देखो आगे दिख रहा है घंटी का, तो इसमें एक पक्षी था युद्ध के टाइम में उसके ऊपर कुछ वार होने वाला था, उसने भगवान को याद किया, तो भगवान ने जो एरावत हाथी था उसकी घंटी तोड़ के उसके घोंसले के ऊपर डलवाई थी। अच्छा ओए ताती है छोरन क्यों बैठा ऐसा भी कोई और मंदिर से निकलने के बाद में हम पहुंच गए थे श्री कृष्ण संग्रहालय में, जो पास में था, सब चीज़ पास में थी, ज़्यादा दूर नहीं थी। उसके बाद में हम पहुंच गए श्री कृष्ण संग्रहालय में, ये देखिए। और यहाँ पे श्री कृष्ण से जुड़ी हुई बातें, ड्रेस, कपड़े, उनके स्टैचूज वगैरह ये सब थे जो मैं आपको दिखाऊंगी अंदर जाके। वैसे अलाउड तो नहीं था यहाँ पे वीडियोस वगैरह बनाना। Thank you.
और ये वाला जो संग्रहालय था काफ़ी बड़ा था, शायद थर्ड फ्लोर ऊपर तक, फिर अंडरग्राउंड में था, तो बहुत ही अच्छा लगा देख के। यहाँ पे पूरा श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है यहाँ पे, तो बहुत ही सुंदर संग्रहालय था, अच्छा लगा। पहले टाइम आए तब पता नहीं, हमने उस टाइम मैंने नहीं देखा था ये, पता नहीं उस टाइम था या हमको मालूम नहीं था, लेकिन उस टाइम नहीं था ये, इस बार हम लोग देख के आए थे ये वाला संग्रहालय। और इसके बाजू में, जस्ट बाजू में है उसका क्या बोलते हैं, साइंस का संग्रहालय। यहाँ पे दो तीन म्यूजियम थे, एक कल्पना चावला म्यूजियम था वो थोड़ा दूर था। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा बना रखा है, फुल स्पेस है अंदर भी, और हर चीज़ बता रखी है इसके अंदर। और ये पहुँच गए थे हम लोग जो आपको बताया था मैंने, विज्ञान कुछ और ही बोलते हैं इसको, साइंस का म्यूजियम था ये। और ये था साइंस म्यूजियम, तो इसमें सारी साइंस से रिलेटेड चीज़ें थी, जो भी था सब कुछ, थोड़ा बहुत मंदिर वंदिर के बारे में था, ये जो पुराने लोग क्या करते थे उनके बर्तन बर्तन उनके बारे में था, चूल्हे वगैरह ये सब, तो ये भी काफ़ी। और यहाँ पे वीडियोस वगैरह के लिए कोई मनाही नहीं थी, आप आराम से वीडियो बना सकते हो, लेकिन उस वाले में थी वीडियो नहीं बनाना बोल के, लेकिन फिर भी हम कहाँ डरते हैं, लोग कहाँ डरते हैं भाई, बनाते हैं सब लोग, सब लोग फोटो, वैसे तो मैंने बना रही थी लेकिन वहाँ पे सब लोग बना ही रहे थे, वीडियो बना रहे थे, फ़ोटो खींच रहे थे, तो मैंने भी बना ली वहाँ पे। और ये सारा बहुत ही प्यारा था ये वाला म्यूजियम, यहाँ पे पूरा साइंस से रिलेटेड था जो भी था सब कुछ, एवरीथिंग। तो अभी हंस को ये वाला बहुत अच्छा लगा। और ये जो साइंस वाले म्यूजियम था ये दो पार्ट में डिवाइड था, ऊपर और नीचे, नीचे पूरा साइंस से रिलेटेड था, और ऊपर ये पूरा जो महाभारत का युद्ध था उसको पूरा दिखा रखा है इन लोगों ने, कैसे लड़ाई हुई थी, कैसे क्या लोग मरे थे, क्या सिचुएशन थी। और इसमें भी स्टैचू बना रखे हैं, लेकिन साथ में ऊपर से आवाज़ें भी आ रही थी घोड़ों की, तलवार चलने की, मरने की, चिल्लाने की, ये सब कुछ, तो काफ़ी अच्छा था ये वाला भी। तो उस पूरे स्टैचू बहुत सुंदर बना रखे थे। और ये वाला म्यूजियम दिखाने हम मेरी खुशबू को भी ले आए थे, क्योंकि जो उसका फर्स्ट एग्जाम होने के बाद में उसको 2 घंटे का टाइम मिला था, उस 2 घंटे में हम लोगों ने खाना खाया और 1 घंटे में ये वाला म्यूजियम घूमे थे हम लोग। तो एक म्यूजियम हम इसको दिखा के, इसको एग्ज़ाम दिला के, और अभी हम लोग निकल लिए थे घर के लिए। और ये देखिए बंदर, कोई मदारी जा रहा था, उसने 2 बंदर बैठा रखे थे, बंदरिया और बंदर, तो बस उसकी वीडियो बना रहे थे, सब लोग हंस रहे थे, बेचारा कितना परेशान हो रखा है। ये मदारी है, वो बंदर का पहले खेल दिखाते थे, अभी तो नहीं देखने को मिला, जब छोटे बच्चे थे तो एक दो बार देखा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा दिखाते हैं ये खेल।
और घर पे पहुँचते पहुँचते हम लोगों को बज गए थे 8:30-9। और ये देखिए, ये केथल है शायद, मेरे को आइडिया नहीं है केथल में है या कहाँ पे है। तो यहाँ पे बनती है बिजली, और ये देखिए इसके अंदर आपको चमकती हुई भी दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पे बिजली बनती है, पावर प्लांट बोलते हैं, पावर क्या बोलते हैं पता नहीं भाई मेरे को भी, लेकिन इतना पता है कि यहाँ पे बिजली बनती है। जब हम पहली बार टीचर्स के साथ आए थे घूमने, तो उस टाइम लोगों ने बताया था कि यहाँ पे बिजली बनती है। और इस बार ये गोल गोल बड़े बड़े इनके अंदर से नहीं दिख रही है, वरना उस टाइम तो इनके ऊपर से भी ऐसे आग मतलब बिजली निकलती हुई दिखाई दे रही थी। और ये पहुँच गए थे हम लोग हमारी नगरिया में, शिवानी में। एक छोटा सा कस्बा है जो हमारे गांव के पास में ही गिरता है, कस्बा नहीं, एक सिटी टाइप में छोटी सी सिटी है जहाँ पे ज़रूरत की हर चीज़ मिलती है। तो बस हम पहुँचने वाले हैं घर पे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पे करते हैं वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट आपको अच्छी सी प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।